अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो व्यूअर्स, आई मोहम्मद अब्दुल हबीब वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स अंडर यूनिट 4 चैप्टर 4 फॉर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ तेलंगाना। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप अकाउंट्स अंडर पेज नंबर 142। सो द फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टनर। जब कभी भी बिजनेस में पार्टनर आ रहे, वेन एवर पार्टनर्स वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस दे नीड टू इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। तो बिजनेस जो है बिना पैसों के चलता है या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे पैसा कौन इन्वेस्ट करेंगे? हु आर पार्टनर्स? दे विल बी इन्वेस्टिंग द अमाउंट। तो यहाँ पे जो पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहे हम उसको कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बोल के बोलेंगे। सो पार्टनर, ए पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैपिटल में भी ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब पार्टनर बिजनेस में जो पैसा, जो अमाउंट लाएंगे वो पैसे लेके आएंगे। और काइंड, काइंड का मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ पे ब्रिंगिंग कैश ही में ब्रिंग सम असेट्स। जैसे कि मैं पैसा नहीं देता हूँ भाई बिजनेस में, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आई कैन इन्वेस्ट कार, आई कैन इन्वेस्ट फर्नीचर और ही कैन इन्वेस्ट मशीनरी। तो इस बार बिजनेस में पार्टनर पैसे ला रहे या फिर इक्वलेंट टू मनी कोई चीज़ लेके आ रहे। इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश ही इज गिविंग सम असेट। नेक्स्ट, समटाइम्स पार्टनर में ब्रिंग इन ए पार्ट ऑफ कैश सम असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन टू दी पार्टनरशिप बिजनेस। तो बाज़ अवत क्या होता है, शुरू में क्या है, सिर्फ पार्टनर बिजनेस में कैश पैसा लेके आ रहे, बाज़ अवत क्या कर रहे, पैसों के साथ साथ कोई असेट लेके आ रहे, और बाज़ अवत क्या कर रहे, पैसों के साथ साथ कोई कुछ असेट्स भी ला रहे, कुछ लाइबिलिटीज भी ला रहे। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स कैश इन द बिजनेस, व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स कैश एंड असेट्स इन द बिजनेस, एंड व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स कैश असेट्स एंड सम लाइबिलिटीज इन द बिजनेस। तो सबसे पहले क्या है, पार्टनर बिजनेस में क्या ला रहे, सिर्फ पैसा ला रहे। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट अब्दुल हबीब साहब इज ए पार्टनर, अब्दुल हबीब साहब brings rupees 50,000 in cash, 50,000 in cash as his capital. तब यहाँ पे हु इज द पार्टनर, अब्दुल हबीब साहब। सो ही इज ब्रिंगिंग रुपीज 50,000 इन कैश एज हिज कैपिटल। तो बिजनेस में पैसा आ रहा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा ला रहे, 50,000। तो ये 50,000 क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ अब्दुल हबीब साहब। सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू अब्दुल हबीब साहब अकाउंट 50,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। इसका नरेशन कहेंगे आप, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश। तब यहाँ पे जो पार्टनर आ रहे हैं उन्होंने अपना कैपिटल पैसों में लेके आ रहे हैं। दूसरी सूरत क्या है, समटाइम्स ए पार्टनर कैन ऑल्सो पे द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश एज वेल एज इन असेट्स। सो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल दैट अब्दुल हबीब साहब हैज ब्रॉट $50,000 कैश एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 एज हिज कैपिटल। तो इस बार अब्दुल हबीब साहब बिजनेस में क्या ला रहे हैं, ही इज पेइंग ए कैश ऑफ 50,000 एंड ही इज ब्रिंगिंग ए फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000। तो इस बार बिजनेस में क्या आ रहा, पैसे भी आ रहे साथ साथ कोई असेट भी आ रहा। तो इससे पहले सिर्फ पैसा आया था तो हम डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट लिखे थे, इस बार क्या क्या आ रहा, पैसा भी आ रहा साथ में फर्नीचर भी आ रहा। सो द जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा, 50,000। नेक्स्ट, साथ में एक असेट आ रहा, वो असेट का नाम क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर आ रहा, 20,000। सो दिस टाइम हिज कैपिटल विल बी 70,000 टू अब्दुल हबीब साहब कैपिटल अकाउंट 70,000।
अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग कैश एंड असेट्स इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल. थर्ड सिचुएशन क्या है? समटाइम्स पार्टनर में ब्रिंग इन ए पार्ट ऑफ कैश सम असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन टू दी पार्टनरशिप बिजनेस. तो तीसरा जो सिचुएशन है वो क्या है? इस बार पार्टनर कुछ कैश ला रहे और कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज ला रहे. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट अब्दुल हबीब साहब ब्रिंग्स रुपीज 50,000 इन कैश एंड असेट्स एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 एंड लाइबिलिटी इसका नाम बिल्स पेएबल लीजिए. लाइबिलिटी का नाम क्या है? बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज 10,000 इनटू बिजनेस. तो इस बार अब्दुल हबीब साहब बिजनेस में क्या ला रहे हैं? ही इज ब्रिंगिंग कैश ऑफ रुपीज 50,000 फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 एंड ए लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000. तो इस बार जनरल एंट्री क्या आएंगी? बिजनेस में कैश आ रहा, कितना आ रहा? 50,000. सो द जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 50,000. फिर साथ साथ और क्या ला रहे? फर्नीचर ला रहे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000. फिर इसके साथ जो है ना एक लाइबिलिटी भी आ रही है, वो लाइबिलिटी का नाम क्या है? बिल्स पेएबल अकाउंट. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज ऑल लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिट बैलेंस. कितने का है बिल्स पेएबल? 10,000. तब यहाँ पे ये बंदा बिजनेस में क्या ला रहा? 50,000 कैश लेके आ रहा, 20,000 फर्नीचर लेके आ रहा. सो 70,000 इज कमिंग इनटू द बिजनेस. एट द सेम टाइम ही इज आल्सो ब्रिंगिंग एन लाइबिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज. सो हिज कैपिटल विल बी ओनली 60,000 रुपीज. तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे आप? टू कैपिटल अकाउंट विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस लाइबिलिटी 10,000 फ्रॉम डेबिट टोटल ऑफ डेबिट साइड विच इज 70,000. तो यहाँ पे 50 + 20 = 70, 70 - 10 इट विल बी 60,000. तब इसका नरेशन आएगा बीइंग कैश कॉमा असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट इन बिजनेस बाय पार्टनर. नाउ वील बी डिस्कसिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेज नंबर 142-143. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वॉट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एंटरिंग इन टू द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट एस डिस्कस वॉट इज कैपिटल. वॉट इज कैपिटल? द अमाउंट विच द पार्टनर हैज इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस. पार्टनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसको कैपिटल बोल के बोल रहे हैं. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देते? यहाँ पे कैपिटल का पैसा पार्टनर का है, बिजनेस यूज कर रहे. सो द बिजनेस विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर फॉर हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू द बिजनेस. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस आफ्टर कंसिडरिंग एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो वक्त के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितना पैसा इंट्रोड्यूस करे और कब तक वो पैसा बिजनेस में रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अब्दुल हबीब साहब हैज इन्वेस्टेड 50,000 इन द बिजनेस. तो अभी ये बंदे का कैपिटल कितना होता? 50,000 होता. आफ्टर सिक्स मंथ्स ही हैज अगेन इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 इन टू द बिजनेस. तब ये बंदे का कैपिटल कितना होता? 70,000 होता. तो फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ्स इज कैपिटल वॉज 50,000 एंड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स इज कैपिटल विल बी 70,000. देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड. फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ्स द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 50,000 एंड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 70,000. इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस आफ्टर कंसिडरिंग एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. क्योंकि पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पैसा विथड्रॉ भी कर सकते. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर पार्टनरशिप फर्म
एंड इनकम टू दी पार्टनर. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर टू दी पार्टनरशिप फर्म एंड इनकम टू दी पार्टनर. क्योंकि यहाँ पे कैपिटल किसको बोलते हैं आप, जो पैसा पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे, तो ये पैसा किसका है, पार्टनर का है. इस्तेमाल कौन कर रहे, बिजनेस. पार्टनरशिप फर्म इज यूजिंग द अमाउंट, सो इट इज एन एक्सपेंडिचर टू दी बिजनेस, बिकॉज बिजनेस फर्म पार्टनरशिप फर्म विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर. और ये पार्टनर के लिए इनकम है, क्यों, क्योंकि बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इनकम टू दी पार्टनर, हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे. नाउ विल बी डिस्कसिंग दी जनरल एंटीज. तो जनरल एंटी क्या लिखते हैं आप, व्हेन यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड, तब जनरल एंटी क्या लिखेंगे आप, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन एक्सपेंडिचर टू दी बिजनेस. तब इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल हबीब साहब हैज इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ 50,000 और इस पर आप 10% इंटरेस्ट दे रहे, देन दैट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 5,000, 10% ऑफ 50,000 विल बी 5,000. तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर टू दी बिजनेस, द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 5,000 रुपीज टू अब्दुल हबीब साहब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. सो इंटरेस्ट इज 5,000. इसका नरेशन कहेंगे एंड द नरेशन विल बी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. As soon as interest on capital is credited to partner's capital account, it should be immediately transferred to profit and loss appropriation account. तब इसका दूसरा पहलू क्या आएगा, when, तो दूसरी एंट्री क्या आएगी, when interest on capital is transferred to profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. So as interest on capital is an expenditure to the business, it was recorded on debit side. Now it will be transferred to profit and loss appropriation account. So this will be coming on credit side and profit and loss appropriation will be recorded on debit side. So the general entry will be profit and loss appropriation account. Appropriation account debit to interest on capital account. So kitna interest on capital diye the aap, 5,000. So 5,000 will be transferred to P&L appropriation account and the narration will be being interest on capital transferred to profit and loss appropriation account. Now we'll be discussing partners drawings, page number 143, accounting treatment for partners drawings in partnership accounts. So what are drawings, drawings किसको बोलते हैं हम, drawings means पहले ड्राइंग से पहले कैपिटल किसको बोलते हैं, द अमाउंट विच द पार्टनर हैज इन्वेस्टेड इन टू दी बिजनेस. तो जो पैसा पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसको कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बोल के बोल रहे हैं. फिर ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, द अमाउंट विच ए पार्टनर हैज विदड्रॉन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. तो यहाँ पे देखिए, ड्राइंग्स आर द मनी और मनी इज वर्थ, मतलब यहाँ तो पार्टनर बिजनेस में से पैसा विदड्रॉ करेंगे और मनी इज वर्थ मतलब पैसे के बराबर या कुछ सामान लेंगे या कोई सर्विस लेंगे. तो यहाँ पे मनी इज वर्थ में क्या आ रहा, कैश गुड्स और सर्विसेस taken by the partner for personal use, it is called as partner's drawing. Now let us discuss what are the general entries which will be passing for partner's drawings. So when a partner withdraws, when partner withdraws cash from business
from business in the sense from partnership firm. For personal use. For example, Abdul Habib Saab has withdrawn an amount of rupees 5,000 for his personal use. तो यहाँ पे अब्दुल हबीब साहब के drawings क्या है 5,000 rupees है and interest on drawings will be discussing later. तो अब यहाँ पे drawings की general entry क्या लिखेंगे, who is withdrawing the amount, अब्दुल हबीब साहब. तो the general entry will be अब्दुल हबीब साहब drawings account debit 5,000 to cash account 5,000. As he is withdrawing the amount, business में से पैसा जा रहा, cash will be recorded on credit side. जब ये बंदा business में पैसा invest कर रहा था, business में पैसा आ रहा था, तो cash was recorded on debit side. Cash account debit to अब्दुल हबीब साहब capital लिखे थे. But as he is withdrawing the amount, cash is going from the business, so cash will be recorded on credit side and his name will be written on debit side as Abdul Habib Saab drawings account 5,000 and the narration will be being cash withdrawn by partner for personal use. अब इसके बाद as soon as drawings are charged it should be transferred to partner's capital account. When partner drawings are transferred to partner's capital account. तब आप drawings लिखे थे, drawings कहाँ पे लिखे थे, debit में लिखे थे. Now as drawings are being transferred to partner's capital account, drawings will be recorded on credit side. हम ये क्या करेंगे, अब्दुल हबीब साहब के capital account में transfer करेंगे. Now the general entry will be अब्दुल हबीब साहब capital account debit. कितना है drawings 5,000. He is withdrawing an amount of 5,000 to अब्दुल हबीब साहब ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. इसका नरेशन आएगा बीइंग ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नाउ वील बी डिस्कसिंग द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो व्हाट इज ड्रॉइंग्स, द अमाउंट विच ए पार्टनर हैज विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. तब इस बार पैसा किसका, बिजनेस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, और ये पैसा कौन विदड्रॉ कर रहे, पार्टनर इज विदड्रॉइंग द अमाउंट. सो द पार्टनर इज यूजिंग द अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. इससे पहले कैपिटल में पैसा किसका था, पार्टनर का था, और वो पैसा कौन यूज़ कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म यूज़ कर रहे थे. तो कैपिटल का पैसा पार्टनर का पैसा पार्टनरशिप फर्म यूज़ कर रहा, तो पार्टनरशिप फर्म विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, हेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एक्सपेंडिचर टू दी बिजनेस. फिर ड्रॉइंग्स किसको बोलते, द अमाउंट विदड्रॉन बाई दी पार्टनर फ्रॉम दी पार्टनरशिप फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. तो इस बार पैसा किसका, पार्टनरशिप फर्म का, यूज़ कौन कर रहे, पार्टनर यूज़ कर रहे. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी पेड बाई partner to the business. So interest on drawings will be an income to the business. So interest on drawings is an income to the business and receivable along with drawings. So jaisa partner ke paas se drawings ka paisa partnership firm ko aana rehta, usi tarah interest on drawings ka bhi paisa aana rehta. So now let us discuss what will be the general entry for interest on drawings and transfer of interest on drawings to profit and loss appropriation account. For interest on drawings, for interest on drawings the general entry will be partner's capital account will be debited. Agar Abdul Habib Sahab ek 5,000 withdraw kar rahe, so the general entry will be Abdul Habib Sahab capital, jo drawings hai uspe hum interest on drawings charge kar rahe, le rahe ab.
अब्दुल हबीब साहब कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये 5000 ड्राइंग्स पे हम जो है ना 500 इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझिए 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 500 रुपीस एंड द नरेशन विल बी बीइंग इंटरेस्ट ऑन drawings debited to partners capital account. तो अब यहाँ पे interest on drawings debited to partners capital account क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि जैसा drawings का पैसा partners capital में से deduct करते, उसी तरह interest on drawings का भी पैसा partners capital में से deduct करते. Now as soon as interest on drawings is debited to partners capital account, this should be immediately transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अब इसका दूसरा पहलू क्या आएगा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तब इस बार जनरल एंट्री क्या आएंगी, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट टाइम लिखे थे तब जनरल एंट्री में क्रेडिट में लिखे थे. नो एज यू आर ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो इस बार की जनरल एंट्री क्या आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 500. सो इस बार का नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. So this was interest on drawings and now we'll be discussing about salary or commission payable to partner. Salary or commission payable to partner. Now let us see what is the accounting treatment for salary or commission payable to partner. So when some partners devote their extra time to the business partnership firm, जब कोई partner partnership firm में ज़्यादा वक्त देते, or having special skills, or he has special skills, then they are allowed special allowances in the form of salary or commission on sales or profit. जब कोई partner business में ज़्यादा वक्त दे रहे या फिर वो partner के पास कुछ extra सलाहियत है, कुछ extra skills है, then special allowance will be given to him such as salary or commission on sales or commission on profit. मतलब ये salary या commission जो दे रहे आप, हर partner को देना ज़रूरी है या सिर्फ कुछ partner को दे सकते, कुछ partner को नहीं दे सकते? तो सबको सैलरी मिल सकती या किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती, किसी पार्टनर को कमीशन मिल सकता. सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर अग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा हुआ रहता वो हिसाब से करेंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द जनरल एंट्रीज व्हेन ए सैलरी इज पेड टू, व्हेन सैलरी इज पेड टू पार्टनर. सो व्हेन सैलरी इज पेड टू पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 10,000 आर पेड एज सैलरीज, तब इसकी जनरल एंट्री क्या आएंगी, अब्दुल हबीब साहब इज दी पार्टनर, तो अब्दुल हबीब साहब को सैलरी कितना मिल रही, 10,000 मिल रही. सो द जनरल एंट्री विल बी सैलरी टू अब्दुल हबीब साहब अकाउंट डेबिट टू अब्दुल हबीब साहब कैपिटल अकाउंट, सैलरी कितना मिल रही 10,000. तब इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग सैलरी टू पार्टनर
credited to partner's capital account. So as soon as salary is credited to partner's capital account, it should be immediately transferred to profit and loss appropriation account. When salary is transferred to profit and loss appropriation account, the general entry will be, जब आप सैलरी दिए थे तो डेबिट में लिखे थे सैलरी टू अब्दुल हबीब साहब अकाउंट डेबिट. नो एज यू आर ट्रांसफरिंग द सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी टू अब्दुल हबीब साहब विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑन डेबिट साइड यू विल बी राइटिंग इट एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो द जनरल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. कितना सैलरी दे रहे थे आप? 10,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को भी इतना ही ट्रांसफर करेंगे. तब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? टू सैलरी टू अब्दुल हबीब साहब अकाउंट. तब इस तरफ क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे आप? 10,000. एंड द नरेशन विल बी बीइंग सैलरी टू पार्टनर transfer to partner's capital account, sorry, profit and loss appropriation account. Now we'll be discussing what will be the general entry for interest on partner's loan account. Interest on loan from partner. So what is the accounting treatment for interest on loan from the partner? So in partnership firm, only the partners are required to invest the capital. So yahan pe partners sirf capital invest kar rahe. Ab kabhi partnership firm mein paison ki zarurat hai aur partners ke paas invest karne ke liye paisa nahi hai. In such a situation, a partner can also give a loan to the partnership firm. तो पार्टनर का काम क्या रहता है? पार्टनर में बिजनेस में जब कभी भी पैसों की ज़रूरत रहती, ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट विच इज़ कॉल्ड एज हिज कैपिटल. बट इफ़ ही इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट द कैपिटल, वन ऑफ द पार्टनर्स कैन आल्सो गिव लोन टू द पार्टनरशिप फर्म. तो इस बार वो बंदा अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल के दे रहा या फिर ही इज़ गिविंग लोन टू द बिजनेस. जैसे कि हम बाहर बैंक से लोन लेते या किसी और से लोन लेते, इस बार क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म खुद अपने पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर के पास से लोन ले रहे. तब वो जैसा बाहर वाले बैंक से या किसी और से लोन लेते थे, तो वो लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते. सिमिलरली वील बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन विच वी हैव टेकन, विच वी इन द सेंस विच द पार्टनरशिप फर्म हैज टेकन फ्रॉम द पार्टनर. जैसा बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना रहता, उसी तरह पार्टनर से अगर आप कुछ लोन ले रहे हैं, देन इवन द बिजनेस पार्टनरशिप फर्म शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर. सो लेट अस सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर. When partner advances a loan to the firm, जब कोई partner partnership firm को कुछ loan देता, interest payable on that loan is credited to partner's loan account. तो इस बार जो है ना, अब तक हम जो भी amount credit करें या debit करें, वो partner's capital account में credit करें या partner's capital account को debit करें. जैसे कि interest on capital was credited to partner's capital account, salary was credited to partner's capital account, commission was credited to partner's capital account, interest on drawings was debited from partner's capital account. But this time interest on loan is credited to partner's loan account instead of partner's capital account. क्यों? क्योंकि वो बंदा capital के लिए पैसा नहीं दे रहा, as a loan partnership firm में पैसा दे रहा. So interest on loan will be credited to partner's loan account and not partner's capital account. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहना? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन देयर अग्रीमेंट. जो पार्टनरशिप डीड रहता, उसमें पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ रहता, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू ए पार्टनर इफ ही एडवांसेस ए लोन. तो जो रेट पे पार्टनर्स अग्री करते, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना रहेगा. इफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन
लोन इज 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन टू ए पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। तो यहाँ पे देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ इट। अगर वो लोग कुछ अग्री नहीं करें देन इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज टू बी पेड ऑन इट। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द जनरल इंडेक्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे या लोन को ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर हैज गिवन ए लोन ऑफ 1 lakh rupees एंड देर इज नो अग्रीमेंट अमॉन्ग देम देन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन एट 6% पर एनम। 0000 गेट्स कैंसल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6000 इंटरेस्ट आ रहा साल का। तो जनरल एंट्री क्या आएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6000 टू अब्दुल हबीब साहब लोन अकाउंट। हमेशा यहाँ पे अब्दुल हबीब साहब कैपिटल अकाउंट लिखते थे, इस बार हम क्या लिख रहे हैं, अब्दुल हबीब साहब लोन अकाउंट। तो ये जो 6000 इंटरेस्ट ऑन लोन जो जाएंगे वो लोन के लिए जाएंगे, मतलब इट विल बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द नरेशन विल बी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट। सो एज सून एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट इट शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 6000, सो द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर करें लोन अकाउंट को तब इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। नो एज वी आर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो इस बार जनरल एंट्री आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 6000, सो द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट अमाउंट विल बी टेकन एज 6000 एंड द नरेशन विल बी रिटन एज बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन being interest on loan transferred to profit and loss appropriation account। Now we'll be discussing what will be the general entry, what will be the accounting treatment when profits are transferred to reserves। Now we'll be discussing the accounting treatment for profit transferred to general reserve account। तो अब पूरे adjustments होने के बाद after all the adjustments are done with regards to interest on capital, interest on drawings, partner's salary, partner's commission and all, if there are profits, some portion of the profit can also be transferred to general reserves। Then now we'll be discussing what is the accounting entry when the profits are transferred to general reserve। तो पहले general reserves क्या है, every prudent business organization transfers a part of profit if available to general reserves account in order to meet any contingency in future। तो एहतियातन हर business organization वाले क्या करते हैं, अपने पास जो भी profits आ रहे उसमें से कुछ part of the profit will be kept as general reserves in order to meet future contingencies।
आगे फ्यूचर में अगर कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपके जो प्रॉफिट्स है इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन जनरल रिजर्व्स के लिए मेंटेन करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट विल बी द जनरल एंट्री व्हेन प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। तब पहले ये जो प्रॉफिट आ रहा ये पूरे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आ रहा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड ऑल, ये पूरे एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो पैसा बच रहा वो प्रॉफिट्स में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व्स के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। सो द जनरल एंट्री विल बी व्हेन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट ऑफ 5,000 as general reserve from profit, so the general entry will be profit and loss appropriation account debit to general reserve account, 5,000 will be recorded on debit side, 5,000 will be recorded on credit side, and the narration will be being profit transferred to general reserve. Now we'll be discussing how we distribute the balance of profit after transferring to general reserve, the balance of profit, how we'll be distributing it among the partners. Let us now discuss the accounting entry for distribution of balance of profit after all the adjustments. So profit and loss appropriation account jo banate aap, isme pure adjustments kar dene ke baad, after making all the adjustments for interest on capital, interest on drawings, salary, commission, and even transferring a part of the profits to general reserves, if still there is a balance of profit, if any, then it should be distributed among all the partners in their profit sharing ratio, and if there is a loss, even then the loss will be shared among all the partners in their agreed ratio. Now let us see what will be the general entry. What is distribution of balance of profit? The balance of profit, if any, is profit and loss account, in profit and loss account will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. तो ये पूरे adjustments होने के बाद अगर कुछ profits बचा हुआ है then such profit will be distributed among all the partners in their profit sharing ratio. Now let us see what will be the general entry when we are distributing the profits. So when profits are distributed, when profits are distributed among partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio, so the general entry will be profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account debit to, it will be distributed among all the partners, to Abdul capital account, to Habib capital account, to Sahab capital account. And the narration will be being profit transferred to partners capital account in their profit sharing ratio.
For example, there is a profit after all the adjustments. There is a profit of ₹30,000, and all these three are equal partners. Then the general entry will be profit and loss appropriation account debit ₹30,000 to Abdul Capital ₹10,000, Habib Capital ₹10,000 to Sahab Capital ₹10,000. And the narration will be being profit transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. In profit and loss appropriation account, there are chances of incurring loss. There are chances of suffering loss as well. Jab profit baate to aap general entry kya likhe, profit and loss appropriation account debit to Abdul Capital ₹10,000, to Habib Capital ₹10,000, to Sahab Capital ₹10,000. Agar loss ho raha tab general entry kya likhenge, ye tino partners ke naam debit mein aa jayenge, and the general entry will be recorded as Abdul Capital account debit ₹10,000, Habib Capital account debit ₹10,000, Sahab Capital account debit ₹10,000, to P&L appropriation account ₹30,000. Uska loss ki entry yahan pe likh raha hu, dekhiye Abdul Capital account ₹10,000, Habib Capital account ₹10,000, Sahab Capital account ₹10,000, to P&L appropriation account ₹30,000. And the narration will be written as being loss transferred to partners account in their profit sharing ratio. Hope you have understood the topic and hope you have liked the video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.